26 मई रात के करीब 12 बज रहे थे। कैप्टन अविनाश एक हाथ में कॉफ़ी का मग लिए हुए और एक हाथ में सिगार लिए हुए अपने घर के टेरेस पर टहल रहा था। अचानक मेज पर रखा मोबाइल बजता है। वो मोबाइल उठाता है तो क्या देखता है कि इंस्पेक्टर मनोज की कॉल है। वो एक नज़र घड़ी पर डालता है और कॉल रिसीव करता है। हेलो मनोज, कैसे हो? रात के 12 बजे कैसे याद किया भाई? तुमको तो पता है कि मैं तुमको कब याद करता हूँ। जब कोई पेचीदा मसला रहता है मैं तुमको तभी याद करता हूँ। क्यों, क्या हुआ यार? अभी अभी पता चला है कि शहर से दूर एक ढाबे के पास हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार काफ़ी डैमेज हो गई है। जो आदमी कार चला रहा था वो मर गया है। लेकिन एक बड़ी खास बात हुई है, उस कार की डिक्की में से एक लाश बरामद हुई है। सब इंस्पेक्टर राहुल मौकाए वारदात पर पहुंच चुका है। वो कह रहा था कि आदमी को गोली मारी गई है। अविनाश ने कहा, मतलब ये कत्ल का मामला है? मनोज बोला, मैं सोच रहा था क्यों नहीं मौके वारदात पर चल के एक बार देख लिया जाए। ठीक है, मैं अपनी कार से तुमको तुम्हारे घर से ही पिकअप कर लेता हूँ। इसके बाद अविनाश ने अपनी ड्रेस पहनी, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर और अपने कोट में रखी और कार में बैठकर मनोज के घर की ओर चल दिया। थोड़ी ही देर में वो इंस्पेक्टर मनोज के साथ मौके वारदात पर पहुंच गया। सब इंस्पेक्टर राहुल अपने दो कांस्टेबल के साथ वहां पहले से मौजूद था। उनको देखते ही उसने इंस्पेक्टर मनोज को सैल्यूट किया और कैप्टन अविनाश से हाथ मिलाया। इंस्पेक्टर मनोज ने उससे पूछा, हाँ राहुल, क्या घटना हुई है, जरा विस्तार से समझाओ। राहुल बोला, सर आप देख रहे हैं, ये हाईवे मुंबई से राजनगर को जाता है और आजम नगर से आने वाली सड़क इस हाईवे में आकर मिल जाती है। जहाँ एक्सीडेंट हुआ है उससे पहले कुछ दूर पर एक ढाबा है। ये ढाबा करीब आजम नगर और हाईवे को जोड़ने वाली सड़क से करीब 20 किलोमीटर दूर है। मैंने ढाबे वाले से पूछताछ की तो पता चला कि ये आदमी गाड़ी लेकर के उसके ढाबे पर गया था और उसने ढाबे पर बहुत ज़्यादा दारू पी थी। उसके बाद नशे की हालत में अपनी गाड़ी ले जा कर के एक पुलिया पर ठोक दी और सर इम्पैक्ट इतना तेज था कि वो सीधे शीशे तोड़कर बाहर आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। सर ये है उस आदमी की लाश जो गाड़ी चला रहा था। कार का मुआयना करने पर पता चला कि कार डिक्की में एक लाश पहले से मौजूद थी। उसकी गोली मार करके हत्या की गई है। उसकी लाश ये है। अविनाश ने दोनों की लाश को बहुत ध्यान से देखा और मनोज से कहा, सबसे पहले दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दूसरी बात यह है कि कार के नंबर से ये पता करने की कोशिश करो कि ये किसकी कार है। ये कार मुंबई से आ सकती है और आजम नगर से भी आ सकती है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर राहुल ने दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अविनाश ने राहुल से कहा, और क्या क्या कार से बरामद हुआ है? राहुल ने कहा, एक काले रंग का बैग है, इसमें कुछ पैसे और गहने हैं। और सर इसी बैग से हमें एक गन भी बरामद हुई है, पर हमें मोबाइल कहीं नहीं दिखा है। अविनाश ने कहा, राहुल बैलिस्टिक एक्सपर्ट से ये पता लगाने की कोशिश करो कि डिक्की में मिली लाश की हत्या इस बैग से जो गन मिली है उससे हुई है क्या? चलो मनोज अब चलते हैं, मुझे सारी रिपोर्ट के बारे में कल फ़ोन करके बता देना। उसी के आधार पर फिर आगे की तफ्तीश शुरू करते हैं। उसके बाद से मनोज और अविनाश अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। दिन में करीब 3 बजे के आसपास मनोज का फ़ोन अविनाश को आता है। औपचारिकता के बाद अविनाश पूछता है, हाँ मनोज, कुछ पता लगा मौत के बारे में? रिपोर्ट आ गई है, जो आदमी गाड़ी चला रहा था उसने बहुत ही भारी मात्रा में शराब पी रखी थी और उसके पेट से अधपचा खाना भी मिला है। इसका मतलब वो ढाबे वाला सही कह रहा था कि उसके यहाँ से उसने खाना खाया और दारू पी करके चला था। जो लाश हमें डिक्की से बरामद हुई है उसकी पेट से भी भारी मात्रा में शराब मिली है और उसकी मौत का समय लगभग कल दोपहर 2 बजे के आसपास का है। अविनाश पूछा, और बैलिस्टिक रिपोर्ट क्या कहती है? मनोज ने कहा, जो गन हमें उसके बैग से बरामद हुई थी उस पर उसी की उंगलियों के निशान हैं और इसी गन से डिक्की में मिले आदमी की हत्या की गई है। अविनाश ने कहा, मनोज पहली दृष्टि में मुझे तो यही लग रहा है कि जो आदमी कार चला रहा था उसी ने डिक्की में मिले उस आदमी की हत्या की है। वो उसकी हत्या करके उसकी लाश को कहीं दूर फेंकने जा रहा था। पैसे और गहने भी उसने कहीं से लूटे ही हैं। मनोज ने कहा, हो सकता है गहने और रुपए डिक्की में मिले आदमी के हों। नहीं, मनोज
ये कहना अभी बड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कितने रुपए उसके बैग से बरामद हुए हैं? 5 लाख कैश और 2 लाख के गहने। मतलब वो 7 लाख लेकर के जा रहा था। गाड़ी का कुछ पता चला? हाँ, राहुल ने गाड़ी के बारे में भी पता लगा लिया है। गाड़ी की नंबर प्लेट नकली है, लेकिन गाड़ी के इंजन नंबर और चेसिस नंबर से पता लग गया है कि गाड़ी किसी आजम नगर में रहने वाले सुधीर मालिक के नाम से रजिस्टर्ड है। और ये सुधीर मालिक रहता कहाँ है? मकान नंबर 203, कटरा, आजम नगर। ठीक है मनोज, एजेंसी बंद करने के बाद मैं और तुम एक बार सुधीर मालिक नाम के आदमी से मिल लेंगे। तब तक तुम एक बात का पता और लगा लो कि सुधीर मालिक ने इस गाड़ी के चोरी होने की FIR दर्ज कराई है कि नहीं। मैं पता लगा लूँगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं। शाम को अविनाश एजेंसी से वापस निकलता है। अपनी सेक्रेटरी बेबी से कहता है, कल रात वाले केस की तहकीकात करने के लिए मैं इंस्पेक्टर मनोज से मिलने जा रहा हूँ। राजू वापस नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद तुम भी एजेंसी बंद करके घर चले जाना। रास्ते में मनोज अविनाश को बताता है कि राहुल ने पता लगाया है कि सुधीर मालिक ने FIR आज से 3 दिन पहले दर्ज कराई थी। तुम्हारे लिए मैंने FIR की फ़ोटो कॉपी करा रखी है। तुम ही बता दो कि FIR में सुधीर मालिक ने क्या लिखवाया है। मनोज कहता है, वैशाली मॉल के पास शनिवार शाम को सुधीर गाड़ी लॉक करके मॉल के अंदर कुछ खरीदारी करने के लिए गया था। वापस लौटा तो देखा कि कार वहाँ नहीं थी। इतना उसने ज़रूर कहा कि जल्दबाजी की वजह से कार उसने पार्किंग एरिया में खड़ी नहीं की थी। अविनाश बोला, लगता है शायद किसी ने डुप्लीकेट चाबी से कार को खोल लिया होगा और लेकर चला गया होगा। मनोज बोला, मुझे तो लग रहा है कि जिस आदमी ने मर्डर किया है उसी आदमी ने कार भी चोरी की होगी। अभी तो फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। थोड़े ही समय में वो दोनों सुधीर के घर पहुँचे। मनोज ने घर की घंटी बजाई। एक औरत ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, आपको किससे काम है? मनोज ने कहा, हमें सुधीर से मिलना है, लेकिन कल रात किसी ने सुधीर की गोली मारकर हत्या कर दी। अविनाश ने कहा, हमें माफ़ कीजिएगा, मैं जानता हूँ ये वक्त नहीं है आपसे सवाल जवाब करने का। क्या आप हमें विस्तार से बताएंगी कि कल क्या हुआ था? आप लोग अंदर आ जाइए, मेरा नाम सुजाता है, मैं सुधीर की पत्नी हूँ। पिछले 10 दिनों से मेरी माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो हमारे घर से थोड़ी दूर ही पर रहती हैं। मैं रोज़ रात में खाना बनाकर अपनी माँ की देखभाल के लिए उसके घर चली जाती थी और सुबह वापस आ जाती थी। कल शाम को करीब 9 बजे मैं रोज़ की ही भांति अपनी माँ के घर चली गई। रात में करीब 1 बजे मुझे पुलिस का फ़ोन आया कि किसी ने मेरे पति के मेरे घर पर हत्या कर दी है। हत्यारा तिजोरी से गहने लूटकर चला गया है। पुलिस ने मेरे पति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के बाद वो लाश मुझे सौंप देंगे। इतना कहकर सुजाता फूट फूट कर रोने लगी। चलो मनोज चलते हैं, इस वक्त अब और सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। सुजाता जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आपसे 2-3 दिन बाद मिलते हैं, इसलिए तफ्तीश ज़रूरी है कि ये कत्ल का केस है। इसके बाद मनोज और अविनाश सुजाता के घर से बाहर निकल जाते हैं। एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक करके दोनों गाड़ी से टेक लेकर के सिगरेट पीने लगते हैं। मनोज, हो ना हो ये तीनों मौत एक दूसरे से संबंधित है, तीनों मौत एक ही दिन हुई है। अविनाश, पहली दृष्टि में मुझे तो लग रहा है कि जो आदमी गाड़ी चला रहा था वही दोनों हत्या में दोषी है। मनोज, पहली दृष्टि में तो ऐसा ही लग रहा है, पर एक आदमी दो लोगों का मर्डर कर सके, वो भी एक ही दिन में? कोई ना कोई और जरूर है इस रहस्य के पीछे। चलो धीरे धीरे इस रहस्य का पर्दा उठाएंगे। अब पहले तो ये पता लगाओ कि सुधीर की मर्डर का केस किस थाने में है, और हो सके तो वहाँ की पूरी रिपोर्ट निकलवा लो। दूसरा, जो दोनों लाश हमें कार से बरामद हुई है उनके बारे में न्यूज़पेपर और टीवी पर प्रचार करवा दो। मुझे ये दोनों आदमी आजम नगर के नहीं लगते हैं, अन्यथा उनके बारे में अब तक कोई जानकारी मिल गई होती। चलो अब घर चलते हैं, कल तक मुझे रिपोर्ट भिजवा देना। सुजाता से अब बात करके ही आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बाद अविनाश अपने घर वापस चला जाता है। सुबह करीब 10 बजे अविनाश राजू और बेबी को अपने कमरे में बुलाता है और पिछले दिनों हुए केस के प्रोग्रेस के बारे में उनको अवगत कराता है। बेबी, इस बार मैं तुमको काम देना चाहता हूँ। सर, मैं खुद भी चाह रही थी कि आप मुझे काम दें। पिछले 5 केस में आपने मुझे एकदम इन्वॉल्व नहीं कर रखा था। तुम एक काम करो, कटरा मोहल्ला चले जाओ और सुजाता,
तुम उसके हस्बैंड सुधीर के बारे में जितनी जानकारी हो सके हासिल करो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि सुजाता को उसकी खबर ना होने पाए। और राजू, तुम ये दोनों फ़ोटो हैं उन दोनों लाशों की जो हमें कार से बरामद हुई थी, वैसे तो हमें न्यूज़पेपर और टीवी पर ऐड दे दिया है, और मनोज बाकी थानों से मिसिंग रिपोर्ट भी चेक कर रहा है, पर तुम इस शहर में हो सके तो इन दोनों आदमियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करो। राजू कहता है, ठीक है सर, मैं होटल और रिसॉर्ट के आसपास से शुरू करता हूँ। इसके बाद बेबी और राजू अपने अपने काम पर चले जाते हैं। अविनाश इंटरनेट पर कुछ काम करने लगता है। शाम को करीब 5 बजे के आसपास राजू और बेबी अविनाश से मिलने उसके केबिन में आते हैं। राजू कहता है, सर आज मैंने बहुत कोशिश की पर सफलता नहीं मिली। कोई बात नहीं राजू, आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। हाँ बेबी, तुमने क्या जानकारी इकट्ठी की? सर, सुजाता के आसपास रहने वालों ने बताया कि सुजाता और उसके हस्बैंड सुधीर मलिक में एकदम आपस में नहीं बनती थी। आज से करीब 5 साल पहले दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद से ही उन दोनों में झगड़ा ही स्टार्ट हो गया था। सुधीर का कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है, लेकिन अब वो बिजनेस भी कुछ खास नहीं चलता है। दोनों रोज़ रात में दारू पीकर झगड़ा करते हैं। और सर, सुधीर ने सुजाता से शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ की थी, इसलिए सुधीर के माँ बाप सुधीर से कोई मतलब नहीं रखते हैं। सुधीर का बाप बहुत पैसे वाला आदमी है। बस सर, अभी तो इतनी ही जानकारी इकट्ठी हो पाई है। नहीं बेबी, तुम्हारा पहला अनुभव बहुत अच्छा रहा। अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। थोड़ी देर मैं भी एजेंसी बंद करके वापस घर चला जाऊंगा। इसके बाद अविनाश मनोज को फ़ोन करके कहता है, कल शाम को सुजाता को पूछताछ के लिए थाने बुला लो और वहीं सुधीर की गाड़ी भी उसको दे देना। तीसरे दिन शाम को करीब 4 बजे सुजाता थाने पहुंचती है। मनोज थाने में मौजूद रहता है। मनोज अविनाश को भी थाने में बुला लेता है। अविनाश सुजाता से कहता है, माफ़ कीजिए, ये वक्त तो नहीं है मुझे आपसे बातचीत करने का, लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि ये केस इतना साधारण नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। आपके पति को लेकर के 3 मौतें हुई हैं, जिनमें हत्यारा एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। आपके हस्बैंड की गाड़ी की डिक्की से हमें एक लाश मिली है, जिसे लेकर के एक आदमी कहीं जा रहा था। दुर्भाग्यवश उसका भी हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। पहली दृष्टि में ऐसा ही लग रहा है कि उस आदमी ने ही डिक्की में मिली हुई लाश का कत्ल किया था। मैं आपको उन दोनों आदमियों की फ़ोटो दिखा रहा हूँ। इसके बाद अविनाश उन दोनों की फ़ोटो सुजाता को दिखाता है। सुजाता ध्यान से दोनों फ़ोटो को देखती है। अविनाश कहता है, क्या आपने पहले इन दोनों आदमियों को कहीं देखा है? सुजाता कहती है, नहीं। ठीक है, जिस रात आपके हस्बैंड की हत्या हुई उस पूरे दिन में आपने कोई ख़ास बात नोटिस की? मतलब आपके हस्बैंड का व्यवहार कैसा था? सुजाता बोली, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 9 बजे के आसपास मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया और मैं अपनी माँ के घर चली गई, और मैंने उस पूरे दिन कोई ख़ास बात नोटिस नहीं की। आपकी माँ का घर आपके घर से कितनी दूर है? यही कोई 7 से 8 किलोमीटर। और आप अपनी माँ के घर कैसे गई? ऑटो रिक्शा में। आपके हस्बैंड से कैसे रिलेशन से? हमने लव मैरिज की थी, लेकिन 6 महीने में ही उसका मन मुझसे ऊब गया और बाद में हमारे बीच काफ़ी झगड़ा होने लगा। झगड़े की खास वजह क्या थी? शादी के तुरंत बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद से मैं अब कभी माँ नहीं बन सकती। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? उनकी सुपर बाज़ार में हार्डवेयर की दुकान है। वो कंप्यूटर हार्डवेयर मुंबई से लाते हैं, लेकिन उनका बिजनेस कुछ खास नहीं चलता है। ससुराल के बारे में कुछ बताइए। सुधीर ने जब मुझसे लव मैरिज की थी, उसके बाद से मेरे सास ससुर और मेरे देवर ने हम सब से नाता तोड़ लिया। कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड और मेरे देवर में काफ़ी बहस हुई थी। मेरे ससुर ने जायदाद के बराबर हिस्से नहीं किए हैं, इसी को लेकर मेरे पति ने मेरे देवर से झगड़ा किया था। आपके देवर का क्या नाम है? आकाश मलिक। तो आपको क्या लगता है कि सुधीर की हत्या में आकाश का भी हाथ हो सकता है? आज के ज़माने में किसी पर भी विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है। जायदाद के लिए भाई भाई का खून कर दे, ये कौन सी नई बात है? आप अपने सास ससुर का पता हमें नोट करा दीजिए। मनोज, गाड़ी की चाबी इन्हें सौंप दो और सुजाता के फिंगरप्रिंट ले लेना। बाहर थाने के लॉन में उनकी गाड़ी रखी हुई थी। अविनाश ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए सुजाता से पूछा, गाड़ी काफ़ी टूट गई है लेकिन फिर भी चल रही है,
क्या ये गाड़ी और चाबी दोनों ही आपके हस्बैंड की है? हाँ, हमारे हस्बैंड की ही है, लेकिन नंबर तो ये नहीं लग रहा है। गाड़ी चुराने वाले ने नंबर प्लेट चेंज कर दी थी। आप फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद से गाड़ी ले जा सकती हैं, और हाँ, नई नंबर प्लेट लगवा लीजिएगा। फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद सुजाता गाड़ी लेकर चली जाती है। अविनाश वापस मनोज के केबिन में पहुंच जाता है और मनोज से कहता है, मनोज, सुजाता के घर का सर्च वारंट निकाल दो, हम लोगों को अभी सुजाता के घर की तलाशी लेनी होगी। मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, क्या हुआ? सुधीर ने अपने FIR में ये लिखवाया था कि जब उसकी गाड़ी चोरी हुई तब वो लॉक थी। इसका मतलब कार की चाबी उनके पास थी। जो चाबी हमें सुधीर की गाड़ी से हाईवे पर बरामद हुई थी उसको सुजाता ने पहचान लिया है, वो सुधीर की कार की चाबी है। अब ये बता कि सुधीर के कार की चाबी उस आदमी के पास कैसे पहुंची? इसका मतलब उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, उसने 2 दिन पहले जानबूझकर FIR दर्ज कराई थी और खुद नंबर प्लेट चेंज किया था। हम सुजाता से कार की डुप्लीकेट चाबी के बारे में भी पूछ लेंगे, मनोज बोला। अविनाश तुम बैठो, और ये रही सुधीर की हत्या की रिपोर्ट। राहुल ने बड़ी समझदारी का काम किया है। अविनाश तब तक तुम रिपोर्ट पढ़ो, मैं सर्च वारंट लेकर के आता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके बाद मैं, तुम और सब इंस्पेक्टर राहुल चलते हैं। थोड़ी देर में मनोज सर्च वारंट लेकर के आता है और वो तीनों सुजाता के घर की तरफ चल देते हैं। रास्ते में अविनाश बताता है कि सुधीर की हत्या भी उसी गन से हुई थी जिस गन से कार की डिक्की में मिले आदमी की। ये बड़ी अजीब सी बात है, इसका मतलब दोनों का कत्ल एक ही आदमी ने किया है। और मैंने सुधीर की हत्या के बाद सुधीर के घर की पुलिस द्वारा ली गई फ़ोटो देखी है। देखने से ऐसा लग रहा है कि हत्यारा को पता था कि तिजोरी की चाबी कहाँ रखी है। उसने चाबी ढूंढने के लिए सामान को उलट पलट नहीं किया है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है, इसका मतलब हत्यारा से कोई मिला हुआ था, लेकिन कौन? घर पहुंचकर वे लोग सुजाता के घर की बेल बजाते हैं। सुजाता बाहर निकलती है और आश्चर्य प्रकट करती है, अभी तो मैं थाने से आई थी, तब तक आप लोग फिर? मनोज कहता है, माफ़ कीजिएगा सुजाता मैम, क्योंकि ये कत्ल का केस है इसलिए हम चाहते हैं कि कोई सबूत हमारे हाथ से छूट ना जाए। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। मेरे घर की तलाशी? लेकिन क्यों? अरे भाई, इस घर में एक हत्या हुई है, सबूत तो हमें ढूंढना ही होगा। हो सकता है घर में कोई सबूत छूटा हो, वैसे हम सर्च वारंट अपने साथ ले आए हैं। नहीं, आपको मुझे सर्च वारंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप तलाशी ले सकते हैं। अविनाश, राहुल और मनोज तीनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें कुछ भी खास घर में नहीं मिलता है सिवाय एक काले रंग के बैग के, जो कि सुजाता के बेडरूम में बेड के नीचे रखा हुआ था। अविनाश पूछता है, इस बैग में क्या है? सुजाता कहती है, करीब शाम के 4 बजे के आसपास ये बैग मेरे पति अपनी हत्या वाले दिन लेकर के आए थे। वो कह रहे थे कि इसमें उनका कंप्यूटर हार्डवेयर का कुछ सामान है, इसलिए मैंने बैग को खोलना उचित नहीं समझा। ये बैग मैंने कभी इनके पास नहीं देखा था। अविनाश ने कहा, राहुल, इस बैग को बड़े ध्यान से खोलना और ये देखना कि इस पर से फिंगरप्रिंट गायब ना हो। राहुल बड़े इत्मीनान से बैग को खोलता है। सर, इस बैग में नीचे कुछ अखबार की रत्ती रखी हुई है और उसके ऊपर कुछ कंप्यूटर के हार्डवेयर के आइटम रखे हैं। अविनाश उनको देखता है और राहुल से कहता है, इसे वापस इसी में रख दो। सुजाता जी, यदि आपको दिक्कत ना हो तो ये बैग हम अपने पास रख लें, इसमें हमें कुछ खास नहीं मिला है क्योंकि आपके हस्बैंड ये बैग उसी दिन लेकर के आए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसे थाने में अपने पास रखें, बाद में हम इसे आपको लौटा देंगे, आप रख सकते हैं। सुजाता जी, क्या आपके पति के कार की कोई और डुप्लीकेट चाबी है? नहीं, कोई एक्स्ट्रा चाबी नहीं है। घर से चलते हुए अविनाश मनोज से कहता है, मनोज, सुजाता के घर पर पहरा लगा दो, क्योंकि अभी 3 दिन पहले इनके हस्बैंड की हत्या हुई है, मुझे शक है कि कहीं हत्यारा इन पर भी कोई घात ना कर बैठे। सुजाता जी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है सादे ड्रेस में पुलिस का एक सिपाही आपके घर पर पहरा देगा, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी माँ को अपने घर बुला लें। सुजाता ने कहा, ठीक है, शायद आप ठीक कह रहे हैं। इसके बाद तीनों वो बैग लेकर के वापस थाने चले जाते हैं। थाने पहुंचकर अविनाश मनोज से कहता है, मनोज, इस बैग को अपने अलमारी में ढंग से रखवा दो, हो सकता हो आने वाले दिनों में ये बैग हमें कोई क्ल्यू दे। मनोज
राहुल को बैग अलमारी में रखने के लिए दे देता है। मनोज, क्या उन दोनों लाशों की कोई शिनाख्त करने आया? नहीं यार, अभी तक तो हमें कोई कॉल नहीं आई है। मनोज, जब तक उन दोनों लाशों को कोई पहचानने वाला नहीं मिलेगा, तब तक इस केस के तह तक जाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे मैंने राजू को दोनों की फ़ोटो दे करके आजम नगर में पता लगाने के लिए कहा है। अचानक अविनेश को कुछ याद आता है। मनोज, मैं बैग एक बार फिर देखना चाहता हूँ। राहुल बैग दोबारा ले आता है। मनोज, ध्यान से इस बैग को देखो। इस बैग के ऊपर NY का लोगो छपा हुआ है। शायद ये कोई बैग बनाने वाले की लोकल कंपनी है। लेकिन बैग देखने में काफ़ी कीमती मालूम होता है। राहुल, ज़रा इंटरनेट पर सर्च करो। राहुल इंटरनेट पर सर्च करके बताता है कि यह कंपनी मुंबई की है। मुंबई की है तो ज़रूर इसकी सप्लाई मुंबई के आसपास के शहरों में हुई होगी। मनोज कहता है, लेकिन इससे हमें क्या पता लग सकता है? ये मुंबई का भी हो सकता है या आसपास के किसी शहर का भी हो सकता है। देखो मनोज, हमें अंधेरे में तीर तो चलाना ही होगा। तुम इन दोनों लाशों की फ़ोटो मुंबई के पेपर में भी निकलवा दो। मनोज ने कहा, सुजाता भी यही कह रही थी कि सुधीर कंप्यूटर के हार्डवेयर मुंबई से ही मंगाता है। अब ये तो निश्चित है कि ये आदमी आजम नगर के तो नहीं रहने वाले हैं, नहीं तो अब तक कहीं ना कहीं से मिसिंग रिपोर्ट हमें मिल जाती। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इसके बाद अविनाश थाने से निकल करके अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन जैसे ही अविनाश साई डिटेक्टिव एजेंसी आता है, राहुल उसके केबिन में आ जाता है और कहता है, सर कल का दिन बहुत बेकार तो नहीं गया? क्यों, तुम्हें कुछ हाथ लग गया क्या? सर, जो आदमी हाईवे पर गाड़ी चला रहा था उसको रिसॉर्ट के एक मालिक ने पहचान लिया है। यह आदमी करीब 5 दिन पहले रिसॉर्ट किराए पर मांगने के लिए आया था। उसने इसके लिए अच्छे पैसे दिए थे। अविनाश ने उत्सुकतावश पूछा, तब तो इस आदमी का एड्रेस रिसॉर्ट के मालिक के पास होगा। राजू बोला, इस आदमी का नाम बलबीर है, लेकिन बलबीर का पता रिसॉर्ट के मालिक को नहीं मालूम। क्यों, रिसॉर्ट के मालिक ने इतना कहा है कि उस दिन से पहले उसने बलबीर को कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो सुधीर को पहले से जानता था, इसलिए सुधीर के कहने पर उसने बलबीर को रिसॉर्ट किराए पर दे दिया। ये सारे होटल और रिसॉर्ट के मालिक पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। अभी उसकी आइडेंटिफिकेशन रखा होता तो हमें आसानी हो जाती। इतना तो मुझे अंदाज़ा लग ही गया था कि सुधीर का इस आदमी से ज़रूर कोई चक्कर है। चलो, कुछ तो पता लगा। अविनाश ने मनोज को फ़ोन लगाया और कहा, जो आदमी गाड़ी चला रहा था, संभवतः जिसने डिक्की में मिले हुए आदमी का कत्ल किया है, उसका नाम बलबीर है। 5 दिन पहले सुधीर की मदद से बलबीर ने एक रिसॉर्ट किराए पर लिया था। मैं तुम्हें रिसॉर्ट के मालिक का नाम और पता दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिसॉर्ट को सील कर दो। कल दोपहर के वक्त हम लोग इस रिसॉर्ट की तलाशी लेंगे। और हाँ, तलाशी लेते वक्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी अपने साथ ले लेना। दूसरे दिन करीब 11 बजे मनोज अविनाश को फ़ोन करता है और बताता है कि कार की डिक्की में जिस आदमी की लाश मिली थी उसका पता चल गया है। वो आदमी मुंबई का एक करोड़पति है और कंप्यूटर से ही रिलेटेड धंधा करता है। उसका नाम रवि आपटे है। न्यूज़पेपर में दिए गए ऐड से उनको रवि की मृत्यु का पता चला। रवि की पत्नी और इकलौता बेटा दोनों लोग आजमनगर के लिए मुंबई से चल दिए हैं। ठीक है, जब रवि की पत्नी और बेटा दोनों थाने पहुंच जाएं तो मुझे भी बुला लेना। उन लोगों से कुछ सवाल पूछने हैं, फिर वहीं से हम लोग रिसॉर्ट भी चल देंगे वहां की तलाशी लेने के लिए। थोड़े ही समय में अविनाश थाने होता है। अविनाश रवि की बीवी से पूछता है, देखिए रवि का कत्ल हुआ है, क्यों हुआ है और किसने किया है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। माजरा क्या है आप हमें खुलकर बताएं। रवि की पत्नी कहती है, मुंबई में हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत बड़ा कारोबार है। धंधा हमारा लड़का अजय ही देखता है। हमारी गिनती मुंबई के करोड़पतियों में होती है। रवि धंधे में कुछ खास रुचि नहीं रखते थे, जैसा उनका चाल चलन था। मुझे तो लग रहा था कि ये तो होना ही था। अविनाश ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। इधर करीब 2-3 साल से उन्हें दारू और लड़की की लत लग गई थी। वो बीच बीच में अक्सर गायब हो जाया करते थे। गायब होने के दौरान वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते थे और किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करते थे। हमने इस बार भी यही सोचा कि हो सकता है वो कहीं चले गए हों, थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। लेकिन जब पेपर में इश्तहार देखा तो हमारे होश उड़ गए। उसके बाद तुरंत मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया और आजमनगर के लिए चल दिए।
इस बार तो वो अपना मोबाइल अपने बेडरूम में ही छोड़ कर गए थे। अविनाश ने रवि की बीवी और बेटे को बलबीर और सुधीर दोनों की फ़ोटो दिखाई और पूछा कि क्या आप इन दोनों को पहचानती हैं। दोनों ने एक सिरे से मना कर दिया। ठीक है, आप सब अपने अपने मोबाइल नंबर और मुंबई का पता हमें नोट करा दीजिए। मनोज, मेरे ख्याल से अब इनको रवि की लाश सौंप देनी चाहिए। इनके भी हाथ के निशान ले लो। उसके बाद रवि के घर वाले उसकी लाश लेकर के मुंबई वापस लौट गए। उनके जाने के बाद अविनाश ने मनोज से कहा, कुछ भी कहो, धीरे धीरे कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, लेकिन अभी भी हत्या का उद्देश्य नहीं पता चला है। रवि की हत्या पैसों के लिए भी हो सकती है। रवि की हत्या लड़की की आदत की वजह से भी हो सकती है। जैसा कि रवि के घर वाले बता रहे हैं कि वो उसकी आदतों से परेशान थे। कभी कभी ऐसे केस में घर वाले खुद भी ऐसे आदमी की हत्या करा देते हैं, लेकिन मुझे इन सब में सुधीर की हत्या का मसला नहीं समझ में आ रहा है। खैर चलो, अभी चलकर रिसॉर्ट की तलाशी लेने के लिए चलते हैं। मनोज, राहुल और अविनाश रिसॉर्ट का मुआयना करने के लिए चल देते हैं। रिसॉर्ट का मुआयना करने के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहां खून के ट्रेस मिलते हैं। एक्सपर्ट वहां से सैंपल कलेक्ट कर लेता है अविनाश को बहुत ध्यान से, पर वहां एक टूटे हुए नाखून का टुकड़ा मिलता है। वो सबूत के तौर पर मनोज को सौंप देता है। उस नाखून के टुकड़े पर भी खून लगा होता है। बाकी उस रिसॉर्ट से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। अविनाश मनोज से कहता है, मनोज ये बात तो निश्चित है कि यहाँ कोई खून हुआ है, इसलिए तुम फर्श पर पाए गए खून को रवि के ब्लड सैंपल से और इस खून के लगे ब्लड सैंपल को मैच करवा लो। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों खून एक ही है। इस हत्या में मुझे लड़की के होने की भी आशंका है। इस रिसॉर्ट को सील कर दो। इसके बाद वो लोग अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। शाम को राजू अविनाश को बताता है कि उसने सुजाता के ससुराल वालों से पूछताछ की है। सुधीर के माता पिता सुधीर से बिल्कुल नाराज़ थे। वे लोग सुजाता को एकदम पसंद नहीं करते हैं। अविनाश ने कहा, सुजाता को नापसंद करने की कोई खास वजह? सुजाता का बैकग्राउंड कोई अच्छा नहीं है। सुजाता आजमनगर के किसी बार में वेट्रेस की नौकरी किया करती थी। इस बार में सुधीर का आना जाना था। देखने में सुजाता काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए सुधीर उस पर मोहित हो गया और उसने उसे अपनी बीवी बना लिया। इसी शादी के बाद से सुधीर के माता पिता और देवर तीनों सुधीर से नाराज़ हैं। पिताजी अपनी जायदाद का अधिकतम हिस्सा अपने छोटे बेटे यानी कि सुजाता के देवर आकाश मलिक के नाम लिखना चाह रहे थे। शायद यही वजह है सुधीर और उसके छोटे भाई आकाश में लड़ाई की। अविनाश ने कहा, सुधीर के कत्ल से तो आकाश को बड़ा फायदा हुआ। हाँ बेबी, तुमने और कुछ पता किया सुजाता के बारे में? बेबी ने कहा, सर पता चला है कि सुजाता के मकान से दो मकान जोड़कर एक आदमी रहता है, अमन। अमन बीमा एजेंट है। कुछ दिनों से अमन और सुजाता की बड़ी यारी चल रही है। इतना सुनते ही अविनाश ने तुरंत सुजाता को फ़ोन लगा दिया। सुजाता जी, एक बात बताइए कि क्या सुधीर ने अपने नाम से या आपके नाम से कोई बीमा करा रखा है? हाँ सर, सुधीर ने मेरे नाम से 50 लाख का बीमा करा रखा है, लेकिन उसने अपने लिए कोई बीमा नहीं कराया। अविनाश फ़ोन रख देता है। राजू, बीमा तो सुजाता का है और खून सुधीर का है, ऐसे तो कोई भी बात नहीं साबित हो सकती है। थोड़ी देर बाद मनोज का फ़ोन आता है। वो अविनाश को बताता है कि रिजॉर्ट में मिले खून के धब्बे रवि के खून और नाखून पर मिले खून से मैच करते हैं। उसके बाद अविनाश फ़ोन रख देता है। वो राजू से कहता है, लेकिन फिर भी हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। बलबीर का कोई पुलिस रिकॉर्ड है नहीं, ना तो आसपास में उसे कोई पहचानता है। बलबीर ने रवि की हत्या रिसॉर्ट में की। उसने वो रिसॉर्ट सुधीर की मदद से किराए पर लिया था। रवि को मारने के बाद उसकी लाश को फेंकने के लिए वो सुधीर की कार में जा रहा था। सुधीर और रवि का आपस में कंप्यूटर हार्डवेयर के बिजनेस को लेकर के कनेक्शन समझ में आता है, लेकिन फिर भी हत्या का कारण नहीं समझ में आ रहा है। सर, हो सकता है रवि और सुधीर का बिजनेस को लेकर के कोई झगड़ा हुआ हो। मुझे नहीं लगता राजू, रवि बहुत बड़ा व्यापारी है और दूसरा वो आजकल धंधा देखता भी नहीं है, तो क्या लड़की वजह हो सकती है? अविनाश ने कुछ देरी के लिए आंखें बंद कर ली और अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर टेढ़ा होकर के कुछ सोचने लगा। राजू, तुम एक काम करो, पिछले 3-4 महीने का सुधीर और रवि का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और ये पता करो कि क्या कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों की ही बातें होती थी। मेरा मतलब लड़की से है, क्योंकि रवि कुछ अयास किस्म का भी था।
ठीक है सर, मैं पता करने की कोशिश करता हूँ। इतना कह करके अविनाश एजेंसी से बाहर अपने घर की ओर चल देता है। दूसरे दिन करीब 12 बजे के आसपास राजू अविनाश के केबिन में आता है। सर, मैंने रवि और सुधीर के पिछले 6 महीने के कॉल रिकॉर्ड का अध्ययन किया है। इनके बीच तो बातें होती रही हैं, पर एक कॉमन नंबर ऐसा है जो मुंबई में रजिस्टर्ड है, जिसकी दोनों से बातें होती हैं, लेकिन करीब पिछले 15 दिन से इन तीनों में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। और ये कॉमन नंबर किसका है? नंबर किसी नैना नाम की लड़की का है जो मुंबई में रहती है। उसका पता मैं ले आया हूँ। अविनाश तुरंत मनोज को फ़ोन लगाता है और मनोज से कहता है, मनोज, मैं राजू के साथ अभी तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो रहा हूँ। रवि और सुधीर के कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि एक ऐसा कॉमन नंबर है जिनकी दोनों से बातचीत होती रही है, और सबसे खास बात है कि वो नंबर किसी लड़की का है जो मुंबई में रहती है। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि रवि लड़कीबाज किस्म का आदमी था। नैना से पूछताछ करके रात तक हम और राजू लौट आएंगे। कल मैं तुम्हें फिर आज की प्रोग्रेस के बारे में इन्फॉर्मेशन कर दूंगा। उसके बाद वे दोनों मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। शाम को करीब 5 बजे तक वो मुंबई पहुंच जाते हैं और नैना के घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते ही एक उम्रदराज औरत दरवाज़ा खोलती है और उनसे पूछती है कि आपको किससे मिलना है। अविनाश कहता है, हमें मिस नैना से मिलना है, क्या उनसे मुलाकात हमारी हो सकती है? हाँ, आप लोग बहुत अच्छे वक्त पर आए हैं, वो स्कूल से वापस आ चुकी है। आप लोग ड्राइंग रूम में बैठें, मैं अभी नैना को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना आती है और उसके पीछे उसकी माँ चाय और पानी लेकर के आती है। नैना कहती है, आप लोग कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? अविनाश कहता है, मैं आजमनगर का रहने वाला हूँ, ये मेरे सहायक राजू हैं, मेरा नाम कैप्टन अविनाश है और मैं अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी चलाता हूँ जिसका नाम है साईं डिटेक्टिव एजेंसी। एक कत्ल के केस में आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। अविनाश तुरंत अपनी जेब से रवि, सुधीर और बलबीर की फ़ोटो मेज पर रख देता है। क्या आप इन तीनों आदमियों को पहचानती हैं? हाँ, रवि और सुधीर को मैं जानती हूँ। तीसरे आदमी का नाम बलबीर है। नहीं, इस आदमी को मैं नहीं जानती हूँ। रवि की आपसे काफ़ी लंबी बातचीत होती रही है, क्या आप बताएंगे कि इसकी क्या वजह है? नैना तुरंत एक नज़र अपनी माँ की तरफ देखती है। माँ ये कहते हुए चली जाती है कि ठीक है, तुम लोग बात करो। नैना कहती है, अच्छा बताइए क्या बात है? ऐसा हमारा अनुमान है कि बलबीर रवि की हत्या करके सुधीर की कार में उसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाने जा रहा था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और हम रवि के कत्ल की तहकीकात करते करते आपके पास पहुंच गए। क्या आपको रवि की मृत्यु के बारे में जानकारी है? नहीं, मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। रवि से आपके क्या संबंध है? रवि से मेरा वही संबंध था जो एक गैर मर्द का एक गैर औरत से होता है। ये बात सही है कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, उन्हें मेरे जिस्म से प्यार था और मुझे उनके पैसों से। मैं एक पब्लिक स्कूल में टीचर की नौकरी करके कभी इतना नहीं कमा सकती हूँ जितना उन्होंने मुझे दिया है। एक अच्छी खासी गाड़ी दी है, ये घर दिया है। अविनाश बोला, 26 तारीख को रवि की हत्या हुई थी, क्या उस दिन आप आजमनगर में मौजूद थी? नहीं, मैं मुंबई में अपने घर ही में ही मौजूद थी। हाँ, मैं स्कूल पढ़ाने नहीं गई थी, इधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी, शायद इसी वजह से मैं रवि से बहुत ज़्यादा फ़ोन पर बात भी नहीं कर पा रही थी। आप सच बोल रही हैं? आपसे झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? पुलिस एक ना एक दिन सच जान ही लेगी। और आप सुधीर को कैसे जानती हैं? सुधीर से मेरी अक्सर बातचीत होती है। सुधीर मेरी सहेली सुजाता के पति हैं, उनका कंप्यूटर का कारोबार है, इसी सिलसिले में अक्सर वो मुंबई आते रहते हैं। इसी सिलसिले में उनकी रवि से भी ताल्लुकात थे। हम और सुजाता कानपुर के रहने वाले हैं। शादी से पहले हम दोनों के घर अगल बगल ही थे, इसलिए जब कभी मेरा मन होता है मैं आजमनगर चली जाती हूँ। इसका मतलब आप सुजाता के घर को अच्छी तरह से जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है नैना जी, जब भी मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपसे कांटेक्ट करता रहूँगा। अब हम चलते हैं। इसके बाद अविनाश और राजू घर के बाहर निकल पड़ते हैं। नैना उनको छोड़ने गेट तक आती है। गैराज में रखी गाड़ी की तरफ इशारा करके अविनाश कहता है, नैना जी यही आपकी कार है? हाँ, मुझे रवि ने ये कार दिलाई है। नैना जी, आपको एक बात पता है कि जिस दिन रवि की हत्या हुई ठीक उसी दिन सुधीर की भी हत्या हो गई। क्या? नहीं, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और सुजाता ने भी मुझे फ़ोन करके नहीं बताया।
ठीक है, अब हम चलते हैं। उसके बाद अविनाश और राजू वापस आजमनगर के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक जगह रुककर वे ढाबे पर खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान राजू अविनाश से पूछता है, सर आपको नैना सच बोलती नजर आई? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है सिवाय सुधीर की मौत के। राजू, मैं इतना निश्चित हूँ कि हत्या वाले दिन नैना आजम नगर में ही मौजूद थी। वो कैसे सर? तुमने उसकी कार देखी? वो धूल से पूरी सनी हुई थी, टायर पर भी काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। राजू, जितना मेरा अनुभव है, कार में इतनी धूल और मिट्टी किसी लंबी यात्रा के बाद ही पड़ती है। रोज़ कार से चलने वाले अपनी कार थोड़ा बहुत साफ़ करते रहते हैं। नैना ने अपनी कार अब तक साफ़ नहीं की है। मुंबई से आजम नगर जाने का यही एक हाईवे का एक रास्ता है और आजम नगर से करीब 30 किलोमीटर पहले एक टोल नाका पड़ता है। चलते समय उस दिन की CCTV फुटेज निकाल लेते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई उसकी कार आजम नगर में गई थी या नहीं। इसके बाद वे दोनों खाना खाकर वापस चल पड़ते हैं। टोल नाका आते ही अविनाश अपनी कार को साइड में रोक देता है और टोल नाके के पास जाता है। वो टोल नाके पर बैठे एक आदमी को बुला करके कहता है कि 26 तारीख को एक आदमी का कत्ल हो गया था। इस केस को इंस्पेक्टर मनोज हैंडल कर रहे हैं। उस दिन करीब सुबह 9 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक की CCTV फुटेज चाहिए, मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव अविनाश कहते हैं। यदि आपको CCTV फुटेज देने में कोई दिक्कत है तो मैं अभी आपके इंस्पेक्टर मनोज से बात करा देता हूँ। उस आदमी ने कहा, मुझे CCTV फुटेज देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि टोल नाके पर मैं इस समय अकेला आदमी हूँ। करीब 45 मिनट बाद वो एक CD लेकर आया और अविनाश को सौंप दिया। मुझे उम्मीद है कि CD से आपका काम हो जाएगा। CD देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। CD लेकर के अविनाश और राजू सीधे अपने डिटेक्टिव एजेंसी चले जाते हैं। अविनाश लैपटॉप ऑन करके CD को चालू कर देता है और वे दोनों फुटेज ध्यान से देखने लगते हैं। फुटेज में 26 तारीख को दिन में करीब 11 बजे उन्हें नैना रवि के साथ कार में जाते हुए दिखाई देती है। देख रहे हो राजू, मैं सही कह रहा था ना कि नैना उस दिन जरूर आजमनगर गई थी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि रवि भी उसके साथ था। अच्छा, अब जरा वापसी की फुटेज देखते हैं। देखो राजू, वापसी में करीब रात को 1 बजे वो लौटते हुए दिखाई दे रही है। राजू ध्यान से देखो, लौटते समय वो अकेली है, रवि उसके साथ नहीं है। सर, हो सकता है कि वो रवि को आजमनगर छोड़ने आई हो और उसके बाद वापस मुंबई लौट रही हो। हाँ, हो सकता है, पर इतनी लेट क्यों लौट रही है? रवि की हत्या का समय करीब दोपहर में 2 बजे के आसपास का है। राजू, यहाँ जरा CD को रोकना। देख रहे हो, नैना टोल टैक्स जमा करने के लिए कार की खिड़की से बाहर दाहिना हाथ निकाली है। देखो, उसके बीच वाली उंगली का नाखून टूटा हुआ है। मुझे उम्मीद है ये वही नाखून है जो हमें रिसॉर्ट से मिला था जिसमें रवि की हत्या हुई है। इसका मतलब नैना रवि के साथ रिसॉर्ट में मौजूद थी। अब तो लग रहा है कि रवि की हत्या में नैना भी शामिल है। लेकिन सर, हम ये बात कैसे साबित करेंगे कि नैना रवि के कत्ल में हिस्सेदार है? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। ना बलबीर जिंदा है और ना ही सुधीर जिंदा है। हमें ये चीज़ साबित करने में दिक्कत तो होगी क्योंकि जिस गन से रवि की हत्या हुई है उस पर बलबीर की उंगलियों के निशान हैं। और सर, एक सबसे बड़ी खास बात है कि पिछले 15 दिनों से सुधीर, रवि और नैना के बीच आपस में बातचीत नहीं हुई है। अविनाश ने कहा, यही सबसे खास बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है। आजकल के लोग बहुत होशियार होते हैं, उन्हें सब पता होता है कि मोबाइल से ट्रेस करना बहुत आसान है। जो कॉल रिकॉर्ड हमारे पास है उसकी मदद से हमें इनके संबंध स्थापित करने में मदद तो मिल रही है, पर हम सीधे सीधे नैना को इस कत्ल की साजिश में इन्वॉल्व होता देख नहीं पा रहे हैं। चलो, कुछ ना कुछ जरिया तो निकलेगा ही। उसके नाखून पर खून मिला है, इसलिए वो आसानी से तो नहीं बच सकती है। हाँ सर, ये बात तो आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि नैना झूठ बोल रही है। अविनाश उसी समय मनोज को फ़ोन करके सारी बातों से अवगत करा देता है और मनोज से कहता है कि कल नैना को पूछताछ के लिए मुंबई से आजमनगर थाने में तलब कर लो, उस दौरान मुझे भी बुला लेना। चलो राजू, घर चला जाए, काफ़ी देर हो गई है और अब थकावट भी लग रही है। कल सुबह एजेंसी आने से पहले मैं सुजाता से मिलने जाऊँगा। दूसरे दिन मनोज नैना को आजमनगर थाने तलब कर लेता है। थोड़ी देर में अविनाश भी थाने चला आता है। नैना पूछती है, आपने मुझे थाने क्यों बुलाया? अविनाश थोड़ा गुस्से में कहता है,
आपकी शक्ल देखने के लिए मैंने आपको नहीं बुलाया है। देखिए, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मनोज, मेरा ख्याल है कि नैना को 2-4 दिन हवालात की हवा खिला दो, तब इनके समझ में आ जाएगा। आखिर मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मुझसे इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हैं। अविनाश तेज आवाज़ में कहता है, नैना जी, आपने हमसे झूठ बोला कि रवि की हत्या वाले दिन आप आजम नगर में मौजूद नहीं थी। हमारे पास टोल नाके की CCTV फुटेज है, उसमें आप रवि के साथ दिखाई दे रही। इतना सुनते ही नैना डिफेंसिव हो गई। बात दरअसल ये है कि आपको तो पता है कि मेरे रवि से कैसे संबंध थे। उस दिन सुबह रवि ने मुझसे कहा कि मुझे आजम नगर ले चलो, मुझे कुछ ज़मीन की डीलिंग करनी है। मैं उसके साथ आजम नगर चली आई। रवि के साथ मैं एक रिसोर्ट में आ गई। रवि ने जी भर के दारू पिया, उसने मेरे साथ ऐश किया और मुझसे कहा कि अब मैं कार ले जा करके वापस मुंबई लौट जाऊं। उसके बाद में उसके साथ क्या हुआ इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप तो रात में करीब 1 बजे के आसपास मुंबई को लौटी। इतनी देर आप क्या कर रही थी आजम नगर में? मैं घूमी फिरी, सिनेमा देखा, उसके बाद आराम से लौटी। आप झूठ बोल रही हैं और हमें पूरी बात नहीं बता रही हैं, आपको छुपा रही हैं। आपके दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली का नाखून कैसे रिसॉर्ट में मिला? और नाखून पे खून भी लगा हुआ था। नाखून तो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। नैना ने तुरंत अपने हाथ पे नज़र डाली और रुआंसी होकर बोली, मैं सच बता रही हूँ कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि मेरा नाखून वहाँ कैसे मिला। अब आप लोग प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। जितना मुझे पता था मैंने सब बता दिया। मेरा आप सबसे आग्रह है कि रवि से मेरे संबंध को प्लीज़ आप किसी से ना बताइएगा। अविनाश ने कहा, नैना, इतनी जल्दी आप नहीं जाने वाली हैं। मैंने तफ्तीश की है तो मुझे पता चला है कि जिस रिसॉर्ट में आप रुकी थी उसको बलबीर ने बुक करा था सुधीर की मदद से। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बलबीर को जानती हैं? नैना शक पका जाती है। देखिए, बलबीर के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, जितनी भी है बताइए। बलबीर शायद सुधीर को जानता था। बलबीर कहाँ का रहने वाला ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी 1 महीने पहले जब मैं आजम नगर आई थी तो एक बार सुधीर के साथ मैं बलबीर के घर गई थी। मैं तो सुधीर की कार में ही बैठी रही, पर सुधीर अंदर गलियों में बलबीर से मिलने गया था। अविनाश कहता है, आप तो आजम नगर से अच्छी खासी परिचित हैं, हमें बलबीर के घर ले चलिए। मनोज, हमें अभी नैना के साथ बलबीर के घर चलना होगा। इसके बाद मनोज और अविनाश नैना के साथ बलबीर के घर चले गए। नैना पुलिस की जीप में गली के बाहर बैठ गई। बलबीर का मकान एकदम गंदी बस्ती में था। उसके मकान मालिक ने बताया कि वो कुछ दिनों से लापता है। इसके बाद अविनाश और मनोज बलबीर के रूम की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें कुछ खास तो नहीं मिलता है, पर एक मेज पर एक दारू की बोतल मिलती है जो आधी खाली थी, और 2 गिलास मिलते हैं। अविनाश कहता है, मनोज, ध्यान से बोतल और गिलास को उठा लो, हो सकता है कि हमको इनके ऊपर से फिंगरप्रिंट मिल जाए। हाँ मनोज, तुम ठीक कहते हो। अब ये बताओ कि नैना का क्या करना है? हमारे पास इतने सबूत तो हैं कि हम नैना को गिरफ्तार कर सकते हैं। मनोज, तुम इसे कल सुबह फिर आने के लिए कहो। जितनी जल्दी हो इन दोनों ग्लास और बोतल से फिंगरप्रिंट उठाने की कोशिश करो। नैना के आज रात के रहने का इंतज़ाम मैं कर देता हूँ। उसके बाद वो दोनों जाकर जीप में बैठ गए। अविनाश ने कहा कि नैना जी, कल आपको फिर थाने में हाजिरी देनी होगी। क्यों देनी होगी? मैं तो सोच रही थी कि आज की रात ही मैं अपनी कार से मुंबई वापस चली जाऊंगी। नहीं, आज की रात आपको कार से वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अच्छी ज़बरदस्ती है, क्योंकि हमें लगता है कि अभी आपने इतनी बातें हमें नहीं बताई जितनी बात आपको बतानी चाहिए। देखिए नैना जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप कोई भी बात हमसे नहीं छुपाइए। थोड़ी देर बाद वे थाने पहुँच जाते हैं। नैना जी, आप अपनी कार यहीं रहने दीजिए और मेरे साथ मेरे कार में चलिए, मुझे आपसे कुछ और ज़रूरी बात करनी है। थोड़े समय बाद अविनाश ने अपनी होंडा सिटी ले जा करके एक होटल के सामने रोक दी। वो और नैना एक बार में चले गए। अविनाश ने औपचारिकतावश नैना से पूछा कि आप हार्ड ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? नैना ने कहा, मैं शराब नहीं पीती। मुझे तो लगा कि रवि के साथ रहते हुए आपकी भी शराब पीने की आदत हो गई होगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। उसके बाद अविनाश ने वेटर को बुलाया और अपने लिए एक व्हिस्की का पैक ऑर्डर किया और नैना के लिए एक सॉफ्टवेयर सॉफ्ट ड्रिंक। अविनाश ने उसे कहा, देखिए नैना जी, मैं पुलिस के सामने आपसे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं आपको अकेले में लेकर आया हूँ। मैं जिस भी केस में हाथ लगाता हूँ मैं उसको कंप्लीट जरूर कर देता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि इस हत्या में आपका हाथ नहीं होगा तो मैं आपको इससे बचा लूँगा।
मुझे लगता है कि अभी भी कोई ऐसी बात है जो आप इस केस में मुझसे छुपा रही हैं। प्लीज़ मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको सही बता रही हूँ। रिसॉर्ट में जब रवि काफ़ी नशे में हो गया और वो सो गया तो मैं चुपचाप कार लेकर के चली गई। मैंने कुछ शॉपिंग की, मूवी देखी और रात में मुंबई वापस लौट गई। इसके बाद रवि के साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है। अविनाश ने मन ही मन सोचा कि ज़रूर नैना झूठ बोल रही है, पर उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। देखिए, अगर आपकी बात में सच्चाई है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह 10 बजे के आसपास आप थाने पहुँच जाइएगा। और हाँ, जो भी बातें मैंने आपसे की है उसका जिक्र अब आप किसी से नहीं करेंगी। आज की रात आप इसी होटल में रहेंगे, मैंने आपका कमरा बुक करा दिया है। होटल से निकलकर अविनाश सीधे सुजाता के यहाँ पहुँच जाता है। सुजाता जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बोलिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने बॉयफ्रेंड अमन के साथ मिलकर सुधीर की हत्या करवा दी हो? सुना अमन के साथ आजकल आपकी बहुत यारी चल रही है, क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? मैं मानती हूँ कि मेरे मन में अमन को लेकर के प्यार है, पर मैं सुधीर की हत्या नहीं करवा सकती। नैना से आपके पति का क्या रिश्ता है? सुजाता ने कहा, नैना ने मेरे पीठ में छुरा भोंका है। नैना के सुधीर से नाजायज संबंध है, मुझे इस बात का पता है कब से। अब छोड़िए इन बातों को। नहीं सुजाता जी, मुझे बताओ, ऐसा मेरा अनुमान है कि रवि की हत्या सुधीर, बलबीर और नैना ने मिलकर की है, और बाद में नैना ने बलबीर के साथ मिलकर सुधीर को डबल क्रॉस किया और पैसे लेकर भाग गई। पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए आपको जो भी पता हो मुझे बताइए। इतना सुनते ही सुजाता दूसरे रूम में चली गई और थोड़ी देर बाद एक पेपर ले आई। क्या ये आपके कुछ काम आ सकता है? अविनाश ने पेपर को ध्यान से देखा। ये तो सुधीर के मेल का प्रिंट आउट है जो सुधीर ने नैना को लिखा था हत्या से 4 दिन पहले। ये तो कमाल का सबूत है, अब हम नैना को गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं ये प्रिंट आउट अपने पास रखता हूँ, अब मैं चलता हूँ। कल ठीक 10 बजे थाने पहुँच जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश घर पहुंचकर मनोज को फ़ोन लगा देता है और कहता है, मनोज मुझे लग रहा है कि ये मर्डर किसने किया है। कल करीब 10 बजे सुजाता के ससुर देवर आकाश और बॉयफ्रेंड अमन को थाने बुला लो। मैंने सुजाता और नैना को भी 10 बजे थाने आने के लिए बोल दिया है। सुबह 10 बजे थाने में सब इकट्ठे होते हैं। सुजाता, सुजाता का देवर आकाश, सुजाता का ससुर मलिक, सुजाता का बॉयफ्रेंड अमन और नैना सब मनोज के सामने बैठे होते हैं। मनोज की दाहिनी तरफ अविनाश एक चेयर पर बैठा होता है। एक साइड में राजू, बेबी और सब इंस्पेक्टर राहुल खड़े होते हैं। अविनाश सिगार जलाता है और सबसे पहले सुजाता के देवर आकाश की तरफ मुखातिब होता है। हाँ तो मिस्टर आकाश, सुधीर आपका बड़ा भाई था, उसकी हत्या से सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो वो आप हैं। क्या कहना है इस बारे में आपका? आकाश ने कहा, मैं मानता हूँ कि सुधीर भैया की हत्या से सबसे ज़्यादा फायदा मुझे हुआ है, लेकिन मैंने उनकी हत्या नहीं की है। क्या उनकी हत्या के 1 हफ्ते पहले आप दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई नहीं हुई थी? आकाश बोला, लड़ाई हुई थी। पिताजी जायदाद का मैक्सिमम हिस्सा 75% मुझे लिखने को तैयार थे और सुधीर भैया को सिर्फ अपनी जायदाद का 25% ही देने को तैयार थे। इसकी कोई खास वजह? सिर्फ एक ही वजह थी, सुधीर भैया ने एक बार में काम करने वाली लड़की सुजाता से शादी की, जिससे हमारी समाज में बहुत बदनामी हुई। आपको तो पता ही है कि सुजाता का चाल चलन कैसा है। तब तक सुजाता ने गुस्से में बोला, मेरा चाल चलन कितना भी खराब हो लेकिन मेरे हाथ खून से नहीं रंगे हैं जितने हाथ तुम्हारे रंगे हुए हैं। मुझे तो तुम्हारी नीयत पर पहले से ही शक है कि तुम दोनों बाप बेटे ने मिल करके सुधीर की हत्या की है। तब तक तो सुधीर का बाप खड़ा हुआ और बोला, देखिए मिस्टर अविनाश, मुझे आपके इस कार्रवाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मैं और अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं जा रहा हूँ। तब तक मनोज ने ज़ोर से डांटा, चुपचाप जहाँ है वहाँ बैठ जाइए, ये कत्ल का मामला है। अविनाश बोला, हाँ तो आकाश आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था कि मैंने जायदाद की लालच में अपने भाई का खून नहीं करवाया। मुझे तो सुजाता पर ही शक है कि हो सकता है कि इसने किसी के साथ मिलकर सुधीर का कत्ल करवाया हो, क्योंकि आजकल भैया का बिजनेस भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। आपको तो पता है कि आजकल ये कहीं और मुंह मारने लगी हैं। सुजाता फिर गुस्से में कहती है, हाँ मुंह मार रही हूँ तो मैं अपने मन से मार रही हूँ, तुमको क्यों जलन हो रही है? वैसे भी तुम जैसे घटिया आदमी का मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ अपने पास रखो, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने हिसाब से जी लूँगी। अविनाश गुस्से से कहा, देखिए आप लोग आपस में झगड़ा ना कीजिए,
इसके बाद अविनाश सुजाता के बॉयफ्रेंड की तरफ मुखातिब हुआ। हाँ अमन, आप बीमा एजेंट हैं जहाँ तक मुझे पता है। अमन बोला, आपको बिल्कुल ठीक पता है। आपका सुजाता से क्या रिलेशन है? सुजाता मेरी एक फ्रेंड है, सुधीर से उसकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तब तो सुधीर की मृत्यु से आपको फ़ायदा है, आपके पास भी तो उसकी हत्या करने का स्ट्रांग मोटिव है। हो सकता है आप ही ने सुधीर की हत्या करवाई हो। अमन गुस्से में बोला, आपको जो अनाप शनाप बोलना है बोलिए। नैना, सुधीर से तुम्हारा क्या रिश्ता था? नैना बोली, सुधीर मेरा दोस्त था और मेरी सहेली सुजाता का हस्बैंड था, बस इतना ही रिश्ता था, इससे भी कुछ ऊपर। आप क्या कहना चाहते हैं? सुधीर का आपसे रिश्ता दूसरी से कहीं ऊपर था। ये बात फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने साबित की है कि आपका नाखून रिसॉर्ट में मिला था जहां रवि की हत्या हुई थी। नाखून पर वही खून लगा था जो रवि का था। इसका जवाब मैं आपको पहले दे चुकी हूं कि रवि दारू के नशे में सो गया, तो मैं उठ करके वहां से चली गई। मैडम नैना, आप झूठ बोल रही हैं। आपके रवि से भी नाजायज़ रिश्ते थे और आपका सुधीर से भी नाजायज़ रिश्ता था। आप अपनी सहेली सुजाता के पीठ में छुरा भोंक रही थी। आप रवि की हत्या के समय वहाँ मौजूद थी, ये बात मैं दावे से सिद्ध कर सकता हूँ। जो अनाप शनाप बोलना है आप बोलते रहिए, नैना ने गुस्से से कहा। एक नाखून के बल पर आप कुछ नहीं साबित कर सकते हैं। तब तक अविनाश ने सुजाता का दिया हुआ प्रिंटआउट नैना को थमा दिया। ये उसी मेल का प्रिंटआउट है जो सुधीर ने आपको लिखा था। इसमें रवि की हत्या का पूरा प्लान लिखा है। यह आपको फंसाने के लिए बहुत है। नैना प्रिंट आउट देखकर पसीने पसीने हो जाती है। अविनाश कहता है, ये प्रिंट आउट मुझे सुजाता ने दिया था। बेहतर यही होगा कि नैना आप अपना इल्ज़ाम कबूल कर लो और सारी कहानी विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था, नहीं तो पुलिस अपने ढंग से कबूल करवा लेगी। नैना ने कहा, करीब पिछले 15-20 दिनों से मैं और सुधीर आपस में एक दूसरे से मेल के जरिए ही बात करते थे, क्योंकि हम लोगों के बीच ये बात तय हुई थी कि हम आपस में फ़ोन से कभी बात नहीं करेंगे जब तक ये पूरा हत्या का प्रकरण ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेल के जरिए बात करने से फंसने की संभावना ना के बराबर रहती है। रवि मेरे माध्यम से सुधीर से बात करते थे, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता था कि सुजाता को सुधीर की ईमेल का पासवर्ड पता है। बलबीर, सुधीर और हमने मिलकर के रवि की मृत्यु का प्लान बनाया था और प्लान के मुताबिक बलबीर रियल एस्टेट एजेंट बन करके रवि को एक फर्जी ज़मीन बेचने वाला था। उस ज़मीन की 50 लाख कीमत थी। उस दिन मैं रवि को लेकर के रिसॉर्ट में पहुंची, तब उसके बैग में 50 लाख रुपए थे। थोड़ी देर बाद बलबीर और सुधीर भी वहां आ गए। दूसरे दिन उनका ज़मीन रजिस्ट्री कराने का इरादा था। प्लान के मुताबिक मैंने रवि के शराब में नशे की गोली मिला दी। रवि शराब पी करके लेट गया। बलबीर ने अपनी गन से रवि की हत्या कर दी और फिर हम लोगों ने रवि की लाश को एक चद्दर में लपेट कर सुधीर की कार की डिक्की में डाल दिया। बलबीर सुधीर की कार लेकर के अपने घर वापस चला गया। बलबीर को रात को आजम नगर से भाग जाना था हमेशा के लिए। उसको इस काम के 2 लाख मिले थे। सुधीर 50 लाख रुपए लेकर के अपने घर चला गया। रवि का जो भी सामान था, जैसे उसका वॉलेट, पेन, आई कार्ड वगैरह, मैंने अपने पास रख लिया और मैं अपनी कार लेकर के आजम नगर के मॉल में टाइम बिताने के लिए चली गई। रात में बलबीर को आजम नगर से भेजने के बाद मुझे मुंबई के लिए लौटना था। रात में करीब 12:30 के पास आसपास वो मुझसे हाईवे पर मिला। हम लोगों में इशारों में बात हुई। इसके बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते चली गई। मामला शांत होने तक सुधीर और हमने आपस में बात नहीं करने का निर्णय लिया। बलबीर मोबाइल का फोन प्रयोग नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कि उसी दिन सुधीर की भी हत्या हो गई है। अविनाश ने पूछा, आपने रवि की हत्या क्यों की जबकि उससे आपको काफ़ी फायदा था? नैना बोली, मैं सुधीर से प्यार करती थी। मुझे पता था कि थोड़े ही दिन में रवि का मन मुझसे भर जाएगा, तब वो किसी और लड़की की तलाश करेगा। इसी वजह से मैंने और सुधीर ने मिल करके उसको मारने का प्लान बनाया। अविनाश ने कहा, यहाँ तक की बात मेरी समझ में पहले से ही आ रही थी, पर मेरे पास सबूत नहीं था जो सुजाता ने हम सबको दे दिया। लेकिन इन सब के बीच सुधीर की हत्या कैसे हुई, बलबीर ने सुधीर की हत्या क्यों की, इसमें क्या फ़ायदा था बलबीर का? नैना जी, आप अभी भी कुछ छुपा रही हो। तब तक सुजाता ने कहा, मैं बता रही हूँ कि इस कुतिया का क्या फ़ायदा था। इसने सुधीर को डबल क्रॉस किया, पैसे निकाल करके इसने अखबार की रद्दी भर दी और बलबीर के साथ मिल करके सुधीर की हत्या करा दी और पैसे लेकर के ये मुंबई चली गई।
उसने सोचा कि बलबीर भी यहाँ से सदा के लिए चला जाएगा और सारी बात अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अविनाश ने कहा, सुजाता जी, मुझे भी यही लग रहा है कि ऐन मौके पर इसने और बलबीर ने मिल करके सुधीर को डबल क्रॉस कर दिया। नैना ने कहा, आप मेरा विश्वास करिए, मैंने सुधीर को डबल क्रॉस नहीं किया। नैना जी, मैं देख रहा हूँ कि इस पूरे केस में आप शुरू से ही झूठ बोल रही हैं। राहुल, वो बैग उठा करके ले आओ जो हमें सुधीर की हत्या के बाद उसके घर में मिला था। और हाँ, बलबीर के घर से हमें शराब की बोतल और 2 गिलास में जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो रिपोर्ट भी लेते आना। राहुल वो बैग उठा करके ले करके आता है। मैं अभी साबित कर दूंगा नैना जी कि आप कितनी बड़ी झूठी हैं। आपने अपने फर्स्ट फ्रेंड सुजाता को धोखा दिया है। अविनाश ने बैग टेबल पर रख दिया और बैग को खोला। उस बैग में कंप्यूटर के हार्डवेयर का आइटम मौजूद था। उसने आइटम निकाल कर एक साइड रख दिया। उसके नीचे अखबार की रद्दी बची थी, उसने रद्दी निकाल करके एक और रख दिया। नैना जी, क्या ये वही बैग है जिसमें रवि पैसे भर करके लेकर आया था? नैना ने कहा, हाँ ये वही बैग है जिसमें 50 लाख रुपये भरे थे। अविनाश ने कहा, तो आपने पैसा निकाल कर कागज़ की रद्दी क्यों रखी? क्या आपके मन में इतना लालच आ गया था? सुजाता जी, आप निश्चिंत हो जाइए, अब हमारे पास नैना को फंसाने के लिए काफ़ी सबूत है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है सुजाता जी, आप भी ज़रा इन पेपरों को देखिए ध्यान से। मेरी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि इन सारे पेपर पर तो आपके घर का नंबर 203 पड़ा हुआ है, ये कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है नैना काफ़ी दिनों से आपके घर भी नहीं गई है। ये सुनते ही सुजाता का चेहरा उड़ गया। मुझे क्या पता कि इस बैग में मेरे घर के पेपर कैसे पड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि ये किसने रखा है। अविनाश ने कहा, लेकिन मुझे पता है ये पेपर किसने रखे हैं। वो सभी की तरफ नज़रों से देखने लगा। सुजाता मैडम, आपने खुद रखे हैं। सुजाता ने शक पका कर कहा, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई पेपर नहीं रखा है। मैडम, आपके अलावा ये पेपर कोई रख ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें एक पेपर सुधीर की हत्या के एक दिन बाद का है। अब सुधीर तो खुद अपने मौत के एक दिन बाद का पेपर रखने नहीं आएगा। सुजाता ने कहा, पेपर किसने रखा है यह आप साबित नहीं कर सकते। अविनाश ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ कि ये पेपर आपने रखा है। मैडम, मैं बताता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुमान है, पर मैं सही हूँ, आपको मेल के जरिए ये पता लग गया था कि रवि की हत्या के बाद सुधीर के पास 50 लाख आने वाले हैं। आपकी सुधीर से पहले से ही नहीं बन रही थी, आपके मन में एक प्लान जागा। आप बलबीर के घर रवि की हत्या के बाद पहुंची और आपने यहाँ पर सुधीर और नैना को डबल क्रॉस किया। आपने बलबीर को सुधीर की हत्या करने के लिए 3 लाख कैश की और पेशकश की और बलबीर आपके कहे में आ गया। हमें बलबीर के बैग से 5 लाख बरामद हुए थे, 2 लाख उसे रवि की हत्या के मिले थे और 3 लाख उसे आपने दिए थे। जब मैंने मेल का प्रिंट आउट पढ़ा तो पता चला कि सुधीर ने 2 लाख बलबीर को दिए थे रवि की हत्या करने के लिए। मेरा माथा वहीं से खटक रहा था कि ये 3 लाख हो ना हो किसी और ने दिए हैं, या तो वो नैना हो सकती है, या आपका देवर, या आपका बॉयफ्रेंड, या आप खुद, क्योंकि सुधीर की इन सब से दुश्मनी थी। लेकिन जब हम लोग बलबीर के घर गए तो वहाँ हमें 2 गिलास मिली और 1 दारू की बोतल मिली। 1 गिलास पर बलबीर की उंगलियों के निशान थे और दूसरे गिलास पर आपकी उंगलियों के निशान हैं, क्योंकि बार में आप काम करती थी, दारू पीने की लत आपको थी, दारू पी करके आप अपने हस्बैंड से झगड़ा करती थी। मैं वही समझ गया था कि इस प्लान में आप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। और मैडम, एक ख़ास बात और भी है, सुधीर की हत्या के बाद अलमारी से बलबीर ने चाबी उठाई और तिजोरी खोलकर गहने चोरी कर लिए। मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है और आपके घर का फोटोग्राफ भी उस समय का देख रखा है, उसमें कहीं भी सामान के उलटने पलटने के निशान नहीं थे। अब बलबीर को ये कैसे पता है कि आपकी तिजोरी की चाबी अलमारी के दूसरे सेल्फ में रखी है? उसे आपने पहले से ही बता रखा था। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा सबूत है नैना और सुजाता को सजा दिलाने के लिए। सुजाता ने कहा, हाँ मैंने ही बलबीर के साथ मिलकर सुधीर की हत्या कराई थी, मैं लालच में आ गई थी। वैसे भी सुधीर मेरा होने वाला नहीं था, अच्छा ही हुआ कि अब इस कुतिया का भी नहीं होगा। वो पैसा आपने कहाँ छुपा रखा है? पानी की टंकी में, मनोज ने गुस्से में कहा। ले जाओ इन दोनों को। मनोज ने कहा, यार अविनाश, इतना तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस पूरे कांड में इतनी खिचड़ी पक रही है। केवल 2 औरतें थीं
और दोनों हत्या में शामिल थीं, और ख़ास बात है दोनों एक दूसरे को धोखा दे रही थीं। राजू ने अविनाश से पूछा, सर आप पूरी कहानी विस्तार से बताइए। इस पूरे केस में हत्यारों से छोटी गलती हो गई। यदि बलबीर की कार का एक्सीडेंट हाईवे पर नहीं होता तो ये केस कभी हल नहीं होता। ये तो एक अचानक में हुआ हादसा था। बलबीर ने एक ही गन से रवि और सुधीर दोनों की हत्या की। ये भी काफ़ी बड़ा सबूत था। बलबीर ने सुधीर की कार का इस्तेमाल किया रवि की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। सुधीर ने FIR में ये लिखवा दिया कि उसकी बंद कार चोरी हो गई। अब आप ये बताओ कि यदि उसकी बंद कार चोरी हुई थी तो कार की चाबी सुधीर या सुजाता के पास होनी चाहिए थी, वो बलबीर के पास कैसे पहुंच गई? सुजाता ने थाने में कहा कि ये कार और चाबी दोनों मेरी है। तभी मुझे शक हुआ, हो ना हो सुधीर ने FIR गलत लिखवाई। बस यहीं से परत दर परत खुलती गई। जब सुजाता के घर से हमें ये बैग बरामद हुआ और जब मैंने बैग के नीचे अखबार की गड्डी देखी तो उसमें सुधीर की हत्या के एक दिन पहले वाला भी अखबार पड़ा हुआ था। क्योंकि घर में दो ही आदमी रहते हैं, एक सुजाता दूसरा सुधीर, इसलिए मैंने पुलिस कांस्टेबल को सुजाता के घर लगा दिया था ताकि वो उस पैसे को इधर उधर ना कर पाए। उसने वो पैसा अपने पानी की टंकी में छुपा रखा है, उसने खुद ही बताया। मुझे नैना पर तो पहले से ही शक था, बस मुझे सबूत की तलाश थी, इसलिए मैं कल रात सुजाता से मिलने गया था और मैंने सुजाता को अपने शब्दों के जाल में उलझा दिया कि मेरे पास नैना के खिलाफ काफ़ी सबूत है कि वो रवि की हत्या में शामिल है। लेकिन मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। मैंने उसे जानबूझकर कहा कि मुझे शक हो रहा है कि नैना ही रवि और सुधीर दोनों की हत्या में शामिल है और वो पैसे लेकर के अपने पास रखी हुई है। बस सुजाता ने मेल वाली बात को कबूल दिया, बाकी तुम सब लोगों को पता ही है। मनोज ने कहा, अविनाश बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने एक बहुत ही पेचीदा केस को सॉल्व करने में पुलिस डिपार्टमेंट की काफ़ी मदद की है। अरे मनोज तुम क्यों बार बार तकल्लुक करते हो, पुलिस डिपार्टमेंट भी तो मुझे बार बार मौका दे रहा है। अरे भाई हमें अपनी साई डिटेक्टिव एजेंसी भी चलानी है, नहीं तो मैं राजू और बेबी को सैलरी कहाँ से दूंगा। इतना सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। चलो आओ बेबी राजू चलते हैं एजेंसी वापस। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।